व्लॉग में आपने देखा होगा कि हम लोग पूरा दिन ट्रैवल करके गोवा पहुंचे हैं और ये सेम डे इवनिंग है, हम लोग रेडी हो रहे हैं और बीच पे जा रहे हैं। और हाँ, आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, ये फेस पहली बार देख रहे हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और मैं हूं उर्वी और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। इसे पता ही नहीं है गाइज, इनका एक्साइटमेंट लेवल आप देखो कितना हाई है। और यहाँ पे बहुत अच्छा स्विमिंग पूल है, तो हम लोग पक्का सुबह वहां पे जाने वाले, बहुत एंजॉय करने वाले। और ये हम दोनों प्रेटी प्रेटी रेडी हो चुके हैं और हम लोग सब वॉकिंग जा रहे हैं क्योंकि पास में ही देख रहे हैं कुछ मिल जाए। हम लोग है ना गाइज, अभी खाने जा रहे हैं, रेडी होके निकले हैं खाने के लिए। पास में ही कुछ होगा, वहां पे जाके खाएंगे फिर बीच जाएंगे। हमारी होटल से निकलते ही सामने ही मेन रोड पे ये रेस्टोरेंट्स है, तो यहीं पे सोच रहे खाने के लिए। वेटिंग करिए जी हमें। पाव भाजी तो है ना बहुत ठीक ठीक थी, लेकिन हम लोग को इतनी भूख लगी थी कि हम लोग ऐसे टूट पड़े ना एक पाव भाजी पे ही कि दूसरे का आने का वेट ही नहीं किया। और हाँ, यहाँ पे हमने दूसरा नूडल्स खाया है। और समझो सुबह नहीं करना, बाकी सब करना है तो आपको अगर कलरपुर में करना है, करते हैं 10 सुबह 10 बजे के बाद किसी तक ले जाओ, आपका हो जाएगा 1800। 1800 थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? यहाँ पे ना एक गाड़ी वाला दिखा है, तो उसे पूछ रहे हैं कि कितना चार्ज करेगा, लेकिन ये लोग इतना चार्ज करते हैं ना, बागा बीच बहुत नजदीक है फिर भी बहुत चार्ज कर रहे थे। तो हम लोग होटल वापस आ गए और वहाँ पे एक्टिवा वाले को बुला के दो एक्टिवा रेंट पे ले लिए है 4 दिन के लिए। जिस दिन हम लोग जाएंगे ना वापिस, उस दिन तक का रेंट पे ले लिया है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अब। डिम्पल अभी तुझे आ रही है गोवा वाली फीलिंग? किधर जा रहे ले अपन? गाइस यहाँ पे ना हमने थोड़ा बहुत खा लिया है, अभी एक्टिवा रेंट पे ले लिया और जा रहे हम लोग बीच की तरफ। पहले है ना 3-4 दिन हम लोग रुकने वाले हैं ना, तो पूरा टाकी फुल करा लेंगे एक्टिवा का और फिर निकलेंगे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। रात को लेट हो जाए आने में तो भी, अभी 8:30 बज रहे हैं, तो हम लोग के पास बहुत अच्छा नाइट टाइम है एंजॉय करने के लिए। यहाँ पे ना आप सिर्फ पेट्रोल पंप में भीड़ देखो कितना है, कितनी बड़ी बड़ी लाइनें थी ना, क्यों क्या पता इतनी बड़ी बड़ी लाइनें थी, हम लोग को बहुत टाइम लग गया यहीं पे। रात का ना बागा बीच पे आने का एक्सपीरियंस कुछ अलग ही था। मैं पहले भी गोवा आई थी बट ऐसा हम लोग ने एक्सपीरियंस नहीं किया था। अभी ना 11 बज रहे हैं, लेकिन मैंने पूरा जो बागा बीच को कनेक्टेड मार्केट है ना, पूरी अभी भी एज इट इज ओपन है और बहुत शॉप्स है और बहुत अच्छा अच्छा स्टफ दिख रहा है। कल हम लोग आराम से दिन में मार्केट घूमेंगे, अभी है ना कुछ खाने जाते हैं पहले, क्योंकि हम लोग ने नाश्ते जैसा ही पहले थोड़ा पाव भाजी नूडल्स खाया था, कुछ प्रॉपर खाया नहीं था। और बीच में भी हम लोग ने सिर्फ मोजीतो ही पिया है, थोड़ी देर बैठे थे और गप्पे लड़ाए, बहुत मजा आया है। अभी जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, वहाँ पे मिल जाए। और हाँ, आप लोग है ना गोवा आ रहे हो ना, तो एक्टिवा ही रेंट पे लेना सबसे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि हम लोग ने ना कार के लिए भी इंक्वायरी किया था बट कार वन टाइम वन वे का 400-500 चार्ज करता है और एक्टिवा आपको पर डे 400 चार्ज होता है, और पेट्रोल जो भी आप उसमें भरवाते हो
बट फिर भी आपको वो सस्ता पड़ेगा और आप कहीं पर भी लेके जा सकते हो अपने टाइम के अकॉर्डिंग। गाड़ी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो बहुत पार्किंग सब ढूंढना पड़ता है, तो इससे अच्छा है एक्टिवा हायर कर लो। यहाँ पर आपको बहुत लोग मिलेंगे जो एक्टिवा हायर करके ही घूमते रहते हैं। मेरी ना मार्केट से नज़र ही नहीं हट रही है, उतना अच्छा स्टॉक है, हम लोग कल आराम से बहुत देखेंगे। ठीक है रे, गुड मॉर्निंग। आज है हमारा डे टू गोवा में और हम लोग है ना उठे ही थोड़े लेट है क्योंकि कल भी लेट हो गया था आते आते, तो अभी 9:30 बज रहे हैं कुछ और 9:30 बज रहे हैं अभी, और हम लोग नीचे पूल में जाने वाले हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा पूल है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये लोग तो ऑलरेडी चले गए हैं, मुझे थोड़ा लेट हो गया है तो मैं अब जा रही हूँ रेडी होके, मैं आपको दिखाती हूँ पूल। ये लोग ऑलरेडी नीचे है एंजॉय कर रहे हैं, मैं भी है ना जल्दी जल्दी चेंज करती हूँ और फटाफट नीचे जाती हूँ, स्विम सूट पहन के फिर जाते हैं नीचे। हाँ चलो फटाफट रेडी होते हैं और नीचे जाते हैं। अब हम जल्दी जल्दी जाते हैं नीचे, ये लोग वेट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, वेट क्या कर रहे हैं मेरा। अभी मुझे ना उठने में बहुत लेट हो चुका है। हाँ ठीक, हजर स्कूबा करवा जाओ मुझे बोलो। गाइस ये देखो डोनाल्ड डक यहाँ पानी में पड़ा हुआ है, हमारे फोन से ये मिली, इनसे नया डोनाल्ड डक है, और ये दूसरी वाली एक कैट वाली, ये देखो नमूनी। और ये डक बॉल को लेते जाने हुए और एक दूसरा गोल मारते हुए, ओ मिस। Welcome.
बस बड़े जगह है नदी कर दे तू चाय मसाला चाय मैडम चाय वाली अच्छी लग रही है आरटीडी डॉप में सच्ची बहुत गरम आल ढापी ले गाइस अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं और हम लोग रेडी होके निकले हैं ब्रेकफास्ट करने। हम लोग सुबह का नाश्ता अब करने जा रहे हैं तो ऑलमोस्ट ब्रंच जैसा ही हो जाएगा हम लोग का और फिर हम लोग फोर्ट जाएंगे ना, फोर्ट जाने वाले हैं। देखते हैं हमें और कितना टाइम वहाँ पे लगता है। और कल रात को जो हम लोग खाना खाने गए थे ना वहीं पे अभी दोपहर को वो 12:30 बजे ब्रेकफास्ट मांगो तो क्लोज ही हो जाएगा। तो देखो तू ले लेने यार। पीछे बैठता है ना उसको बुलाया जाता है। मैं इसके पीछे बैठ रही है ना, मैं वीडियो चालू करें ए तरी हट मुंह नहीं उखाड़ू खुद जो लेके आता है खुद वो संभाले। ए चल बंद नहीं होगा ना आधी रात को नहीं आवे माँ सर के